दैनिक भास्कर पर हुई आईटी की कार्यवाही के बाद हरदोई के पत्रकारों में दिखा आक्रोश। प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकार के हाथों में बेड़िया न डाले सरकार। भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर हुए आईटी की कार्यवाही के बाद हरदोई के पत्रकारों में दिखा आक्रोश। हरदोई में खबरों की सच्चाई दिखाने पर सरकार के द्वारा पत्रकारों के घरों में इनकम टैक्स की छापेमारी की गई, जिसको लेकर हरदोई प्रेस क्लब के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। जिले भर के सैकड़ों पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में हाथों में बेड़ियां डालकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल से मांग की है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर हरदोई प्रेस क्लब के पत्रकार साथी हरिश्याम वाजपेयी, आकाश शुक्ला, विनोद वर्मा, कुलदीप वर्मा, आनंद भंडारी, विपिन मिश्रा, नईम खान, अतुल मिश्रा, अंजीम खान, मुकेश राठौर, रोहित कुमार दीक्षित, शोभित सिंह, रियाज खान, मोहम्मद उमर, डब्लू कुमार, उत्तम अवस्थी, अंजीम मंसूरी, इस्लाम हाशमी, रत्नेश अवस्थी, रवि प्रकाश शुक्ला सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। जो है भारत के समाचार और भास्कर पर जो है सरकार द्वारा जो छापेमारी कार्यवाही की गई है, इसका सभी मीडिया के लोग विरोध करते हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया जा रहा है, इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रदर्शन इसलिए किया है कि कल जिस हिसाब से भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा और साथ ही मजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह के घर पर ईडी का छापा मारा गया, उनके हाथों में बेड़िया डालने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे थे, कोरोना काल से सच्चाई दिखा रहे थे, उसका हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके विरोध में, और हम लोग जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। और अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम मजबूरन हम लोग को सड़कों पर उतरना होगा और हम सड़कों पर उतर कर इसका आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।